है उनके धर्म पत्नी और बच्चों ने जो अग्रण्यता प्राप्त करी है और सरस्वती विद्या मंदिर जो संचलित हो रहा है चल रहा है, ये कहीं परमात्मा की कृपा से ही संभव है, प्रभु की कृपा से। 1996 से लगातार ये विद्यालय निरंतर चल रहा है और जिसमें हजारों बच्चे विद्वत्ता को प्राप्त करते हैं और एक अच्छी जगह पर बच्चे पहुंचते हैं। उसी के इस पावन प्रांगण में राम कथा सुनने का सौभाग्य है अपना। पर निवेदन है कथा श्रवण तो करें, पर ऐसी कथा ना सुने कि ये कान से सुनी ये कान से निकाल दी बची कुची थी कपड़े में से झटका। घर पहुंचे परिवार वालों ने पूछा कहां गए थे, कहा राम कथा में गए थे। क्या लाए, क्या लेकर आए हो, तो बस थोड़ा सा पढ़ मंच से लिया जाएंगे। वे अतिशीघ्र मंच पे पधारे श्री महेंग भाई पूनम भाई जी पटेल, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री बीनू कुमार जी दिल्ली से कुमार जी दिल्ली से चंद्र काजी मधु जी की तरफ से 21,000 रुपए की स्वागत देकर आदिपन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई चंद्र आपके 14,500 सुनील जी पटेल पुणे ऋषि सिंगला की तरफ से पंजाब से 15,000 कौशल भाई जी वर्मा की तरफ से भट्टापारा छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की स्वागत देकर आदिपन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई चंद्र विचार आपके 17,000 स्वागत की गुप्तधन में 14,000 रुपए संजीव कुमार जी पाठक और उत्तर प्रदेश से 15,000 रुपए हर्षवर्धन अनिल जी सोनबाने की तरफ से मराठे से 17,000 रुपए गुप्तधन धुले मराठे से 21,000 रुपए मनीषा रंजीत जी चौहान की तरफ से राजस्थान से 15,000 रुपए गुप्तधन में 15,000 रुपए सुनील जी वसुदेव जी कोहली भूसावल से 15,000 रुपए की चिराग चिराग कृष्णकांत जी महेश्वरी धार मध्य प्रदेश से 4,000 रुपए की स्वागत अपने स्वरूप की मंजू सुरेश जी चौहान उज्जैन मध्य प्रदेश से 15,000 रुपए राजेश जी खंडेलवाल की तरफ से 5,100 रुपए की स्वागत अपने बाबा कमलेश धाम से समर्पित की बहुत बधाई अपने समर्पित की गुरमीत जी कौर कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 3,100 रुपए की स्वागत समर्पित की मधुल जी तिवारी छतरपुर मध्य प्रदेश से 1,600 रुपए चिन्ह में संजय जी सिडोरे की तरफ से महाराष्ट्र से 15,000 रुपए पवन कुमार जी हरियाणा सुधा 1,100 रुपए दीपिका जी अरोरा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 21,000 रुपए की स्वागत देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षर में अपने नामांकित करें, बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1,400 अपने समर्पित की गुप्तधन 1,100 रुपए मीरा देवी जी की तरफ से बिहार से 15,000 रुपए राजा जी चमोली देहरादून उत्तराखंड से 15,000 रुपए गुप्तधन में 15,000 रुपए आनंद स्वरूप जी भट्टागर की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 50,001 रुपए की स्वागत अपने बाबा कमलेश धाम में समर्पित की बहुत बहुत। जो ये कहते हैं कि जीवन एक बार मिला है उनको जीने का तरीका नहीं आ पाया, केवल एक मृत्यु ऐसी है, मौत ऐसी है, मृत्यु ऐसी है जो एक बार मिलती है, पर जीवन प्रतिदिन जब हम सोकर उठते हैं, प्रतिदिन हम जब जागते हैं और जागने के बाद नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को जीने का तरीका फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो समझ लेना कि जीवन एक बार नहीं मिला, जीवन जीने का तरीका परमात्मा रोज देता है, प्रतिदिन देता है, उसको जीना आना चाहिए। बक्से की आवाज बढ़ा, इधर बक्से की आवाज। जीवन जीने का तरीका बढ़ा, मृत्यु
मौत केवल एक बार आती है, उसके बाद हम सोए तो फिर अगला जन्म क्या है यह हमको भी ज्ञात नहीं है, हमको भी मालूम। और तुमको कोई कह दे कि मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये वाला जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम्हारा ये जन्म होगा, या मृत्यु के बाद में तुम इस जन्म में इस योनि में चले जाओगे या इस योनि में पहुंच जाओगे, तो जो बता रहा है उससे भी तुम पूछ सकते हो कि मरने के बाद क्या आप ऊपर देखकर आए कि हम कौन सी योनि में जाएंगे। ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को ज्ञात नहीं है किसी को। हाँ इतना जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये जरूर है कि भगवान का यदि भजन करा है, परमात्मा की भक्ति को धारण करा है, परमात्मा की कथा को हमने श्रवण किया है, भगवान की अविरल भक्ति को हमने श्रवण किया, भगवान के भजन को हमने श्रवण किया, तो ये जरूर है कि हम बार बार जो जन्म हो रहा है, बार बार जो हमारी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं, फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती। उस मृत्यु और जन्म के प्रपंच से जब हम छूट गए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जब हम बाहर निकल गए, तो समझ लो कि फिर हमारा कोई जन्म है ही नहीं। इसी को मोक्ष कहा गया। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति किसको कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में पहुंच गए, दूसरी योनि में से मुक्त हुए, तीसरी योनि में पहुंच गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में पहुंच गए। इसको केवल मुक्त होना कहा है, इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष का सार्थत्व है भगवान का भजन इतना कर लो, शिव तत्व इतना धारण कर लो, भगवान शंकर का इतना गुणगान कर लो, भगवान राम का इतना गुणगान कर लो, मेरे देवदिदे महादेव का इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो, इतना मंत्र जाप कर लो, इतना नाम जाप कर लो, या परमार्थ का इतना कार्य कर दो, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को मेडिकल की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसको औषधि दिला देना, कोई गरीब कन्या है उसका मंगल विवाह करा देना, या कोई अन्य कोई कार्य है किसी के लिए, तो उसको वो फल प्रदान कर देना। कितनी कितना बार बार हम कहा गया है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। हम अपने कर्म को कैसा करें, हम अपने भजन को कैसा करें, हम अपने कीर्तन को कैसा करें, हम अपने मंत्र जाप को कैसा करें, हमारे स्मरण को हम कैसा करें। महाराज अगर जूता पहन रहे हो और वो पांव में कसा रहा है, जूता पहन रहे हो और वो पांव में काट रहा है, पांव में तकलीफ दे रहा है, तो तुम क्या कहोगे, ये मेरे साइज का जम के तो बोलो नहीं। कोई स्वेटर पहन रहे हो, कोई वस्त्र पहन रहे हो, कोई कुर्ता पहन रहे हो, और वो अगर शरीर में तुमने पहना और बहुत कसाने लगा, बहुत कसाने लगा, तो तुम क्या कहोगे, ये मेरे साइज का। जूता तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं। कपड़ा तकलीफ देने लगे तो समझ लेना ये मेरे साइज का नहीं है, और रिश्तेदार अगर तकलीफ देने लगे तो समझ लेना कि ये भी हमारे साइज के नहीं। यही नहीं,
अगर वो तकलीफ दे रहे हैं आपको, वो कष्ट दे रहे हैं आपको, वो अगर आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, वो आपको तकलीफ प्रदान कर रहा है, वो आपको कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना ये आपके साइज के नहीं। अहंकार की मत्ता में, अभिमान की मत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहम की अभिमत्ता में ये बहुत ऊंचे उठ गए, और अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊंचे उठ गए, अहंकार की अभिमत्ता में जब ये बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, तो ये समझ लेना कि ये अब आपके साइज के नहीं रहे। अब इनको साइज में लाना कठिन है। आहुक और आहुका जिसकी कथा कल चल रही थी, क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था? क्या इनका कोई नातेदार या इनका कोई संबंधी या इनका कोई पहचान वाला नहीं था? आहुक और आहुका थे, इनके भी अपने थे, इनके भी रिश्तेदार, इनके भी कुटुंबी वाले थे, इनके भी परिवार वाले थे, पर बात केवल इतनी थी कि ये सारा घर का काम करने के बाद में, परिवार का पूरा काम करने के बाद में, भोजन आदि सारी व्यवस्था करने के बाद में, ये दोनों भगवान शंकर की भक्ति में लग जाते थे, भगवान शिव के स्मरण में लग जाते थे, भगवान शिव के आनंदमय स्वरूप में लग जाते थे। जब आप घर में बैठकर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, इतने में कोई आ गया, तुम्हारा पहचान वाला, तुम्हारा मामा आ गया, तुम्हारी मौसी आ गई, तुम्हारे जीजा जीजी आ गए, तुम्हारे काका जी आ गए, कोई भाई आ गया, कोई बहन आ गई, कोई आ गया, और आप कथा सुन रहे हो, आपका ध्यान उनकी ओर गया, आपने आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बिठाया, पानी पिलाया, परंतु फिर आप वापिस टीवी की ओर कथा को सुनने में लग गए। अब उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जम के बोलो, लगेगा ना कि हम तो एक तो इनसे मिलने के लिए आए, हम इनके पास पहुंचे हैं, इनके नजदीक में पहुंचे हैं, उनके पास में पहुंचे हैं, और उनके पास में पहुंचने के बाद भी, उनके पास में, उनके नजदीक में पहुंचने के बाद भी इनका ध्यान, इनका चित्त, इनका मन कथा में तो लग ही नहीं रहा, हम में तो लग ही नहीं रहा, बस ये टीवी के सामने आस्था चैनल पर जो कथा आ रही है उसको देख रहे हैं, या मोबाइल पर लगा हुआ, या लैपटॉप पर लगा हुआ कथा में। और सरल भाषा में समझ, आप मंदिर जा रहे हो थाली लेकर, आप भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान का पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, गला पकड़ रहा है, अर्चना करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए आप मंदिर जा रहे हो, और जब आप मंदिर जा रहे हो, सेवा करने के लिए पहुंच रहे हो, भगवान का भजन करने के लिए पहुंच रहे हो, मंत्र जाप करने के लिए पहुंच रहे हो, इतने में कोई तुम्हारे घर पर आकर बैठ गया और तुम आधे घंटे तक, एक घंटे तक मंदिर से बाहर ही नहीं आए। अब जो आया हुआ है उसको बड़ा बुरा लगेगा, अब जो पहुंचा हुआ है उसको वो ठीक नहीं लगेगा कि बताओ मैं तो इसके यहां आकर बैठा हूं और ये मंदिर में लगा हुआ है, शिव जी के अभिषेक में लगा हुआ है, अर्चना में लगा हुआ है, पूजन में लगा हुआ है। आहुक और आहुका दोनों भील और भिलनी के यहां पर भी सारे रिश्तेदार थे, संबंधी थे, पहचान वाले थे, थोड़ी दूर पर गांव था, गांव में इनके पहचान वाले रहते थे, पर कोई इनसे संबंध नहीं रखता था। कारण केवल इतना सा था कि ये जितना समय बचता था उतना समय ना तो निंदा में लगाते थे, ना चुगली में लगाते थे, ना बुरे कर्म में लगाते थे, ना इधर उधर बैठने में लगाते थे, अगर ये समय लगाते थे तो भगवान शंकर की भक्ति में लगाते थे, उनके स्मरण में लगाते, इनका बाकी का जो समय था वो उसमें लगता था। जितना समय इनका बचा वो देवदत्त महादेव के चरणों में लगा। अब आप में और उनमें कितना अंतर है? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारे यहां नहीं आते, कोई कहता है भगवान देवदत्त हमारे यहां नहीं पहुंचते, कोई कहता है भगवान देवदत्त महादेव हमारे नहीं हो पाते, शंकर जी हमारी बात नहीं सुन रहे, राम जी हमारी बात नहीं सुन रहे, कृष्ण जी हमारी बात नहीं सुन रहे, कौन कहता है भगवान बात नहीं सुनता? तुम्हें कहा किसने कि भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनता? एक हाथी, श्रीमद् भागवत कथा और विष्णु पुराण, गर्ग संहिता में भी संवाद है, वराह पुराण में भी संवाद है, नारद पुराण में भी संवाद है, एक हाथी
जिसका पांव मगर पकड़ लेता है, हाथी का पांव पकड़कर खींच कर पानी में लेकर जा रहा है, वह हाथी पूरे परिवार को बुलाता है, पूरे परिवार को बुलाने के बाद पूरी समाज को बुलाता है, समाज को बुलाने के बाद चिंघाड़ता है, चिल्लाता है, कोई नहीं आता। तब उसे हाथी को समझ में आता है अब कोई नहीं आ रहा, तब वो हाथी परमात्मा को बुलाता है और भगवान दौड़कर आता है। ये भागवत कह रही, ये हमारा विष्णु पुराण कह रहा, ये हमारा गर्ग संहिता कह रही, हमारा शास्त्र कह रहा। लोग कहते हैं भगवान हमारी बात नहीं सुनता, शिव पुराण कहती है चींटी के पांव में नुपुर बांधो, शिव पुराण कहती है वो नुपुर की भी आवाज मेरा महादेव सुनता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनता? जरा विचार तो करिए, सुनता है, हर पल श्रवण करता है, हर घड़ी। ये मोबाइल तो अब हो गए, फोन तो अब चालू हो गए, इसके पहले मोबाइल और फोन थे क्या? इससे पहले जरा निकालो तो सर, पहले से ना फोन था ना मोबाइल था। बेटी रहती थी बड़ौदा में, मां रहती थी हालोल में। ईमानदारी से बोलना रही जीजी, बेटी बड़ौदा है, मां हालोल में। जब मां को याद आती थी बेटी की, उधर बेटी भी मां को याद करती थी। ना फोन था ना मोबाइल था, ये दिल का कनेक्शन था, ये दिल का संबंध था, ये दिल का कनेक्शन था, ये स्नेह का कनेक्शन था। जरा विचार करिए, सोचिए जरा। अब मोबाइल होने के बाद भी, फोन होने के बाद भी संबंध इतने पक्के नहीं है जितने पहले होते थे बिना मोबाइल के बिना फोन के। इतना पक्का संबंध होता था, एक बार लड़का लड़की को देखता था, एक बार संबंध पक्का हो जाता था, मरते दम तक निभाते थे दोनों पति पत्नी। आज के जमाने में संबंध पक्का होने के बाद में मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, छोरा छोरी को फोन लगाता है, छोरी छोरे को फोन लगाती है, डिकरा डिकरी को और डिकरी डिकरे को फोन लगाती है, और 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 11-11 घंटा, 12-12 घंटा तक फोन चलता रहता है। शादी होने के एक दिन पहले तक रात को 3-3, 4-4 बजे तक बात होती रहती है। उसके बाद में जब संबंध हो गया, संबंध होने के बाद में 2-3 साल, 4 साल बाद दोनों पति पत्नी अदालत में खड़े मिलते हैं, इतना बात करने के बाद। अब तो मोबाइल भी है, अब तो फोन भी है, अब तो लैपटॉप भी है, और डायरेक्ट ऑनलाइन बात चल रही है मोबाइल पे एकदम। और जरा सा ऑनलाइन बात चल रही है और जरा सा तुम नहीं दिखते तो क्या बोलता है फोन पे? कहां हो, दिख तो है ही नहीं रहे हो। फिर पानी पीने चले गया था, अच्छा फिर आके बैठ गए, फिर गायब हो गया, कहां हो? नेटवर्क चले गए। अब ना दिख, ना दिखने का कारण एक है, पानी पीने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, रोटी खाने चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था, या नेटवर्क चले गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। उसी तरह भगवान कब तक नहीं दिखता? जब तक हम किसी काम में लगे रहते हैं या हमारा नेटवर्क चले गया। मंदिर जा रहे हो, रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा को बैठकर पंडाल में श्रवण कर रहे हो, टीवी पर श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हो, पर कभी कभी कथा सुनते सुनते भी नेटवर्क चले जाता है। तुम देखना तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में जो बैठी हो, थोड़ी थोड़ी देर में इनका नेटवर्क गायब हो जाता है। बैठी है, मोबाइल चालू है, भगवान भी कहता कहां है? भोलेनाथ जी भी कह रहे हैं बैठी तो है, बैठी तो है पर दिख नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि फोन चालू रहता है और धुंधला धुंधला दिखने लगता है। पार्वती और शंकर जी का संवाद कहता है बैठे थे अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में थोड़ी देर तक पार्वती जी का नेटवर्क मिलता रहा, पार्वती जी कथा सुनती रही, उसके बाद धीरे 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 पार्वती जी सो गई, नेटवर्क। जब जागी पार्वती जी, शिव जी ने पूछा कथा सुनी तूने? हाँ। कहां तक सुनी? नवे स्कंद तक। फिर मेरी धीरे धीरे आंखें लगती चली गई, दिखना बंद हो गया,
समझना बंद हो गया, भगवान समझ गए कि नेटवर्क बैठे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम बैठे कथा में हो, बैठे आस्था चैनल के सामने हो, बैठे फेसबुक यूट्यूब के सामने हो, कथा सुनना है तुमने, मन बनाकर बैठी हो कि मुझे कथा सुनना है, अपने हालोल में हो रही, अपने कंजरी में हो रही, पूरी कथा सुनूंगी। पर बैठी तो थी, पर बैठे बैठे मन आ गया फ्रिज के अंदर दूध रख के नहीं आई, कहीं बिल्ली नहीं पी जाए, नेटवर्क गायब हो गया, पहुंच गया उधर तुरंत, पहुंच गया उधर, गया। अब वो नेटवर्क गया, फिर किसी ने कोनी मार के कहा क्या हुआ, कथा सुनने मन लगा है? हाँ मन तो लगा है, पर वो चाबी मेरी घर में रह गई है, ध्यान नहीं आ रहा, नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। अभी इससे पहले जो कथा थी परवणी की ना, परवणी थी ना, तो परवणी की कथा में कहा था पहले के समय में रेडियो रखते थे कोई भी हो, उस रेडियो को दो चार जगह ले जाकर देखते थे और उसकी सुई घुमा घुमा कर देखते थे, सिग्नल मिला सिग्नल मिला सिग्नल मिला, थोड़ी थोड़ी दूर पे देखते थे, वहां बैठ कर देख लिया सिग्नल मिल रहा है, खेत में देख लिया, बावड़ी में देख लिया सिग्नल मिल रहा है, कहीं कहीं तो वो घुन घुन करता रहता था और कहीं कहीं एकदम सिग्नल मिल जाता था। विविध भारती आपका स्वागत करती है, सिग्नल तुरंत। अब क्या करा उसने रेडियो वाले ने, उसको मालूम है बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठूंगा या कुएं के पास बैठूंगा या मंदिर के पीछे बैठूंगा या वहां जाकर बैठूंगा, नेटवर्क मिल जाएगा। सारे रेडियो वालों को उसने बता दिया कि वहां जाकर बैठ जाना, नेटवर्क मिल जाएगा, बाकी की जगह घूमोगे तुम। और फिर किसी ने कहा वहां जाके बैठ जाओ, नेटवर्क, और जैसे ही वो वहां जाके बैठा वैसे विविध भारती आपका स्वागत करती है, चित्रहार में आपका स्वागत है, कौन सा गाना पेश किया जाए, अब फरमाइश जी आई, तुरंत नेटवर्क मिल गया तुरंत। इसी तरह से कहीं पर भी घूम लो, वहां तक तो ठीक है, आवाज आती रहेगी, घूमते रहोगे आवाज आती रहेगी, पर जैसे ही तुम महादेव की कथा में या शिव मंदिर में जाकर बैठे महादेव से नेटवर्क मिल जाता है, शंकर से नेटवर्क मिल जाता है, राम मंदिर में जाकर बैठे राम जी से नेटवर्क मिल जाता है। सिग्नल मिलाने वाला चाहिए कि कहां जाकर मिलेगा वो, बस वहीं जाकर हमें बैठना, उसी स्थान पर बैठे, उस जगह पर बैठे। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है, हाथ उठाओ जरा, जो जो लोग बैठे हैं हवाई जहाज में बैठ गए, चलो ठीक है। वो मैडम माइक लेके बोलती है कृपया अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालना, मतलब अब तुम्हारा ये मोबाइल इसमें नहीं चलेगा, तो फ्लाइट मोड पर डाल लीजिए। वो ये कहना भूल जाती है कि अब तुम बहुत ऊपर उड़ने वाले हो, भरोसा किसी का नहीं है, अपने मन को भगवान के मोड पर डाल दो। वो उल्टा बोल जाती है कि फ्लाइट मोड पर डाल दो, उसने मोबाइल का बोला पर मन का नहीं बोला, और एक बार अगर प्लेन थोड़ा सा यूं यूं हुआ फिर याद आया जय हनुमान के अनमोल सागर, जय कपीस तुम लोग जाकर राम दूत तत्व बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, मतलब इस मन को फ्लाइट मोड पर डालने की जगह अब भगवान के मोड पर डाल दिया भगवान। इतने में उसने माइक पकड़कर बोल दिया मौसम ठीक नहीं है, फिर तो अब कुछ नहीं, मम्मी की याद, अब मोड चेंज हो गया, बस इतना ही हमको करना है। जब ये मन, जब ये चित्त, जब ये वृत्ति, जब ये बुद्धि गलत जगह जाए तो इसको ले जाकर भगवान के मोड पर ले जाकर छोड़ देना है, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम पर ले जाकर छोड़ देना है, भगवान के भजन पर ले जाकर छोड़ देना है, भगवान की भक्ति पर ले जाकर छोड़ देना है, अविरल भक्ति की ओर छोड़। आहू आहू का दोनों रिश्तेदार हैं, गांव में रहते हैं, परिवार वाले हैं, गांव में रहते हैं,
पर संबंध नहीं बन पा रहा। संबंध इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि ये भजन करने वाले हैं वो बिना भजन के, ये भील है तो वो भी भील है, ये भिलनी है तो वो भी भिलनी है, अंतर क्या भील भिलनी है। कभी कभी नेटवर्क नहीं मिल पाता। स्वयं शबरी अंबा का चरित्र देखिए, शादी हो रही है शबरी की, मंडप सजाया गया है, दूल्हा आने वाला है। सुंदर शबरी अंबा ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी ये इतने सारे जीव जानवर लेकर आए हो, इनका क्या करोगे? तो कहा बेटा बेटा ये जीव जानवर जो आए हैं, इन जीव जानवर को तेरे बराती जो आने वाले हैं, रिश्तेदार जो आने वाले हैं, उनको इनको मारकर खिलाया जाए। ये जो जीव जानवर आए हैं, इनको आने वाले जो मेहमान हैं, तेरे बराती हैं, उनको मारकर खिलाया जाए। इतने अजीबों की हत्या केवल एक मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए। इतने जीवों की हत्या केवल मेरे विवाह के लिए, मेरी शादी के लिए, ठीक नहीं। बस मंडप छोड़ा और विवाह का मंडप छोड़कर शबरी भाग गई। रुकी नहीं है, सीधे वन में। जरा सा नेटवर्क मिलाई था और शबरी अंबा चली गई। अब इन जीवों की हत्या ना हो, इन जीवों को छोड़कर राम की भक्ति में मातंग बाबा के कहने पर ऐसी डूब गई कि आखिरी में राम जी को शबरी अंबा के दरवाजे पर जाना ही पड़ा। इतनी डूब गई, इतनी। इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता थी कि उसमें वो डूब जाती। अब आहू आहू का दोनों प्रबल है, भजन का बल प्रबल है। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कह दिया कि इनकी परीक्षा लेने जाओ, जाओ इनकी परीक्षा लेने के लिए। जिस दिन मृत्यु लोक पर हमारा जन्म होता है और जिस दिन हम मरते हैं, 21,600 श्वास मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं, ये 3.5 करोड़ रोम है ये मानव के शरीर, 3.5 करोड़ रोम छिद्र। और 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, ऐसी कोई श्वास नहीं है जो भगवान का भजन नहीं करना चाहती। प्रत्येक श्वास परमात्मा का नाम लेना चाहती है, प्रत्येक श्वास भगवान की भक्ति करना चाहती है। पर परमात्मा ने एक बात कही है, भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, पर परिवार को पालते हुए, परिवार को लेकर चलते हुए, परिवार को साधते हुए, परिवार का स्मरण करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए चलते। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि आप भी साधु बन जाओ। साधु एक बात जरूर कहेगा, संत एक बात जरूर कहेगा कि आप अच्छे गृहस्थी बन जाओ, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो और सत्यता का जीवन जीना चालू कर दो, अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, अपने जीवन को सत्यमय बनाने का प्रयास करो। वो कहेगा शंकर भगवान को माता पार्वती जी ने कहा जरा परीक्षा लेने जाओ, देवाधिदेव महादेव अतिथि बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव चले। और जब भगवान शिव अतिथि बनकर चले और अतिथि बनकर जब पहुंचते हैं, यतिनाथ बनकर जब भगवान शंकर पहुंचते हैं, तब उस स्थान पर जहां पर आहुक और आहुका दोनों अंदर बैठे हुए थे, भवन के अंदर दोनों बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल शिव की चर्चा,
शंकर का स्मरण। यहां आप और अंबेडकर क्या कर रहे हैं? केवल शिव की चर्चा कर रहे हैं, केवल भगवान शंकर के विषय में बात कर रहे हैं। और जिसकी बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करते हैं, ये बात करते 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 हम लोग जो आपस में भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ये महादेव तक वो बात पहुंच ही जाती है कि कोई बैठकर मुझे याद कर रहा है, कोई बैठकर मेरा भजन कर रहा है, कोई बैठकर मेरा गुणगान कर रहा है, ये उसके स्मरण में आ जाए। आप प्रयास करना, एक कमरे में बैठना, एक कमरे में बैठना और किसी एक व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है उसको उस कमरे में बिठा ले और दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की बात कर, दोनों मिलकर किसी की बात कर और दोनों कसम खा लेना, ना तुम बताना ना हम बताएंगे, मत बताना। पर आप दोनों ने जो बात करी है, जिसके विषय में बात करी है, उस तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी को लोग कहते हैं कि वो कहते ना जैसे कि मकान, पूरा बोलो एक बार वापिस, मकान पीछे क्या लिखा है? कान। मतलब कहीं पर भी बैठ के बात कर लो, दीवार के कान होते हैं, उसी का नाम मकान है। वो सुनती है, बल लेती है, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द ये वायुमंडल के द्वारा वहां तक पहुंच जाता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव बैकुंठ में नहीं रहता, हमारा देव अधिदेव महादेव कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, हमारा देव अधिदेव महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। हम यहां बैठकर चर्चा करेंगे तो वहां तक ये तरंगे पहुंच ही जाते हैं, पहुंचती है। ये भी एक आराधना है, ये भी एक साधन, स्मरण, और वो भी भगवान का स्मरण। एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद कर और भगवान फल दे दिए? कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? कछुवी, कछुवी, कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है कछुए की जो धर्म पत्नी होती है, कछुवी पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के ऊपर। पानी में कछुवी कभी अंडा नहीं देती, कछुवी अंडा देती है तो रेत पर देती है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुवी उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है मात्र स्मरण करने से। मात्र स्मरण करने से कितना विचित्र है, यहां गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है तब जाकर बच्चा पक पाता है। 9 महीना रखना पड़ता है, 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है, पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता? क्यों नहीं करता? कछुवी अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर, मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुवी स्मरण कर अंडे को पका देती है, मछली
देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण, दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा महाराज। फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है, क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है, टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती, टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है, इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। यह शब्द की गर्जना। और महाराज आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो, स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। ये स्पर्श, स्मरण, जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है बोलो, जम के बोलो जरा, स्मरण याद करना, दृष्टि दर्शन करना, भगवान का दर्शन, शब्द कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। ये चार चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपको मिलेगा जरूर। हर हर महा, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद वहां तक होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा टोर हटो छड़ी ना मैं कढ़ी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा तोर हटो छड़ी ना मैं कढ़ी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग। आप स्मरण करिए, आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा कल्याण है। पहुंच गए देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहां कहा जाता। आज भी हमारे यहां बल्लभ पुष्टि मार्ग में कहते हैं, अगर घर में कोई परम भगवती वैष्णव आ जाए तो समझ लो स्वयं ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। यह हमारा पुष्टि मार्ग कहता, यह हमारा पुष्टि मार्ग कहता। पुष्टि मार्ग में गुंजा माला भी बनाई जाती है ना, तो एक फूल की पंखड़ी को चार बार मोड़ा जाता है और फिर सुई से पिरोया जाता है, एक पंखड़ी को। एक परम भगवती वैष्णव ने पूछ लिया कि इसको चार बार क्यों मोड़ा है, तो हमने कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब पिरोकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया है, अब वो संभाल सब दे दिया उसको, परमात्मा को सब समर्पित कर दिया। सब भगवान को दे दिया, अब बचा क्या? समर्पण भगवान को। आहू आहुका के परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंच रहे, यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर पहुंच गए, दरवाजा बजाया, अंदर कोई है दरवाजा खोलिए, अंदर कोई है दरवाजा खोलिए,
आहुकत ही, आहुक नहीं थे, आहुक कुछ कार्य से गए हुए थे तो आहुकत ही। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वाले को क्या कहते हैं? जम जम के बोलो जरा, महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव। एक सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए, श्री राम शिव महापुराण की कथा यह कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है तो ध्यान से सुनना जरा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो, विधायक जी आप हमारे साथ चल चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है आप कर लोगे क्या? महात्मा जी आप हमारे साथ चल चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे, आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन जिसका प्रश्न है हालोल से, जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बेन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं? जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है तो प्रशासन का कार्य हो जाता है, हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्रीफल। श्रीफल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो, जम के श्रीफल किसका प्रतीक है? देव अधिदेव महादेव का। शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं तो श्रीफल में भी है तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है, इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर अंदर से नर्म है, उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं, श्रीफल के 3 नेत्र, शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि कादि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है श्रीफल दे देते हैं, किसी से काम निकालना है श्रीफल दे देते हैं, किसी का सम्मान करना है श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है, शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नरियल लेगा श्रीफल ले गए, श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़े, मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने 1 श्रीफल दिया काम नहीं पड़ गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नरियल है श्रीफल है, पहचान जान लो महाराज। होके नंदी पैसावा सुन के भक्तों के पुकार, होके नंदी पैसावा काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों के पुकार, होके नंदी पैसावा काशी नगरी से आए मेरे भोले ना। सुनते भक्तों के पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए।
के बंदे की सरकार हो के नंदी पे सवा काशी नगरी से आए हैं मेरे भोले नाथ के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवा काशी नगरी से आए मेरे भोले नाथ सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवा काशी नगरी से आए मेरे भोले नाथ सुन के भक्तों के पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोले नाथ सुन के भक्तों के पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोले नाथ काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ
मृगशाला पहने बोले जटाओ में गंगा चम चम चमकता है माते के चंदा। मृगशाला पहने बोले जटाओ में गंगा चम चम चमकता है माते पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओ में गंगा चम चम चमकता है माते पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओ में गंगा चम चम चमकता है माते पे चंदा। गौरा मैया कर सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ होके नंदी के सवार। सुनते भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुनते भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। शिव से प्रार्थना करें, भगवान देव अधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें कि बाबा पावागढ़ की इस पुण्यमय आनंदमय धरा हालोल कंजरी में शिव कृपा से ये पावन शिव महापुराण की कथा गुप्त नवरात्र में श्रवण कर रहे हैं। आप करुणा करें, आप दया करें, सब स्मरण करते हुए भाव से दिल से कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपु तेरी माला भोले बाबा जपु तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा सब दुख काटो मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शिव जी सामने खड़े हुए हैं, यतिनाथ बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े हुए हैं। अब आहुका ने दरवाजा खोला, भगवान शिव अंदर प्रवेश किए। आहुका ने कहा, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है आपको, किस लिए आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप पधारे, आपके आने का कारण क्या है। अतिथि बनकर, यतिनाथ बनकर भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, रास्ता भटक गया हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि मैं एक रात्रि आपके यहां रुकना चाहता, केवल एक रात्रि। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। भजन करने वाला कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई भक्त हो, कोई भगवान का भजन करने वाला हो, कोई कीर्तन करने वाला हो, कोई मंत्र जाप करने वाला हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाला हो, कोई संतों की सेवा करने वाला हो, कोई भगवंतों की सेवा करने वाला हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता हो, बहुत धनिक व्यक्ति रहता हो, और उस नगर में कोई भक्त रहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक रहता हो, तो शिव पुराण कहती है उस धनी के यहां मत रुकना, एक बार भजन करने वाले के यहां रुक जाना, भगवान के भक्त के यहां, भगवान के स्मरण करने वाले के यहां, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाले के यहां, भगवान के मूल मंत्र को जपने वाले के यहां अगर रुकोगे तो उसका लाभ क्या होगा। उसका लाभ यह होगा कि आप जितनी देर उसके यहां रुके हो, वो जितना समय भजन करेगा, उस भजन का पुण्य आपके खाते में भी जाता चले जाएगा, ये निश्चित। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग, हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है, जरा सब जाते हो, रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो, घर से जल लेकर जाते हो, हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है, सभी लोग ले जा रहे हो ना, हाँ बहुत जरूरी है, घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना, क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से एक लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसके यहां तकलीफ क्या है, केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो, द्वारका जी भी आप ही के पास में, सुदामा जी गए थे, क्या लेकर गए थे, जम के बोलो जरा, चावल।
भगवान कृष्ण ने तीन लोक का राज्य दिया, तीन लोक का राज्य, चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था, चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदूल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदूल आया और पल्लू में तंदूल आया तो तंदूल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके चार भाग सुशीला ने करे, फिर तंदूल उसमें भरा, और तंदूल भरकर ले जा रही है, कंकर भी पड़ा हुआ है, बीनती बीनती रस्ते भर जा रही है, आंख का अश्रु उस तंदूल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदूल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदूल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया, सुदामा जी ये तंदूल लेकर चले जाओ। ये तंदूल सुदामा जी आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने तंदूल बाजू में दबाया। लड्डू 25 दिन का बासी हो, कितने दिन का? 25 दिन का, पर उसकी पैकिंग डब्बा एक नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खा लेगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी। द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदूल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो तंदूल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है, पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए तीन लोग का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू, केवल वस्त्र। दुनिया के लोगों ने कहा, उन्होंने तंदूल खाया तो तीन लोग का राज्य दे दिया, तंदूल खाया तो तीन लोग का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली, जो भगवान को बता दिया कि तंदूल खाया तो तीन लोग का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदूल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था, जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, उसने अपना कार्ड दिया, मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद में तीन लोग का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर या जाएगा, तुम भेजो तो सही है, जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर, इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर, उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर, मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को चेहरा दिल देखता है, भाव देखता है, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ। आदरणीय महंत श्री राम मंदिर के राम नारायण दास जी महाराज जी को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि आपका प्रेम खींचकर लाया है देवाधिदेव महादेव को यहां तक, प्रेम आपका, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, राघव जी की कृपा, और जो आपने राम जी के मंदिर में जो महादेव जी बिठा के रखे ना स्फटिक के, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे, राम जी उनको कहते थे कथा सुनना है, भोलेनाथ जिस दिन से स्फटिक का शिवलिंग बैठा उस दिन से राम जी भोलेनाथ जी के पीछे पड़े, बिल्कुल दोनों आमने सामने, तुम जाके राम मंदिर में देख लेना, दोनों आमने सामने। पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था, वो तो शंकर जी ने सोचा है राम जी रोज बार बार कहेंगे कथा सुनाओ, पार्वती जी को सुनाई थी, काक भुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुना, तो राम जी ने तुरंत शंकर जी ने
महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं। तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में, अब दोनों बेटे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई, ये विश्वास जागृत है आपका, भरोसा। और जो दिल से सुनता है, पत्र देखिए बहुत सारे हैं, बहुत पत्र, एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्री का कम से कम काम तो आ रही है, ये खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितना प्रेशर बढ़ाओ बाबू, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और ये फोटो, सो आशा विठल पाटिल है मेरा नाम, सूरत गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत गुजरात से आई हूं गुरुदेव, आपने जो शिव महापुराण की कथा में एक लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी सो ज्योति सुरेश पाटिल उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, शादी को 12 साल हो चुके थे, उसे एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिक्री तो है, डिकरानी है, बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी, बाबा की करुणा उदारता ऐसी रही, शिव कृपा से बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से, बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से, एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते। आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं, शिव आता कहां है? क्या गांव में जगह नहीं थी? पर आहुका के दरवाजे पर मेरे देव अधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए, और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए सम्मुख में आकर खड़े हो गए, आहुका ने दरवाजा खोला, आप कौन है, कहां से आए? मैं एक राहगीर हूं, भटक गया हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहां एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है। एक पत्र देखिए, मैं हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं, किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं हालोल कंजरी से, किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी हम लोग 1995 से यहां रह रहे हैं, 1995 से हम यहां रह रहे हैं। गुरुदेव हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके, पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूं, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव,
कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये दया है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे, या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर आई, और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है, वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता। उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है, झोपड़ी बनाकर राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया अतिथि, कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहां जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं, नहीं है व्यवस्था। आहू का ना हो गया, आहू का गया। आहूक ने आहूका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहां सोने की जगह नहीं। आहूक ने हाथ जोड़कर आहूका से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे, मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, आप इस कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले स्त्री नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी अच्छा लगेगा, घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बने, लोग क्या कहेंगे। यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा महाराज जी मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं, आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुला सकता, कैसे सुलाऊं। कभी कभी बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी,
बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गुसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गुसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गुसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गुसाई जी के सामने, महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गुसाई जी ने कहा, महाराज तुम राजा हो, अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता, नहीं मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गुसाई जी ने कहा, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा? हाँ बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संताएं चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा, मेरे गुरु ने कहा चरण धो, और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काय का ये राजा हुआ बता, ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता, इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहे, जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा, सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला, एक थाली नहीं चार लेकर आना, आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव दो पांव से आता था, चार पांव से आया, चार पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है, चार सोने की थाली लाई जाए, चार कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को, चरणों रख इकट्ठा करा, बस पीने ही वाला था, इतनी देर में उस गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन दे देता, मेरा ठाकुर मेरा कृष्णा का दर्शन दे देता है कि तूने अपने गुरु का कहना माना, और गुरु ने कहा था जो कंठी पहनकर आए, तुलसी की माला पहना हो, मस्तक पर तिलक लगा हो, उसके चरण धोकर चरणों तक लेना, तूने गुरु के वचन को निभाया, इसलिए मैंने तेरे गुरु के वचन को याद कर तुझे दर्शन दिया है। साधारण नहीं है। अगर आपने सुना, जैसे उस माता ने सुना कि उसकी सहेली ने कहा कि एक लोटा जल समर्पित कर, एक लोटा जल अगर आप चढ़ने पर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा करा रहे हो, शंकर के द्वार जाकर आ रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, एक फूल की पंखड़ी भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर भी आप मुस्कुरा कर जा रहे हो, अगर इतना भी नहीं बनता तो शिव के शिखर का दर्शन कर रहे हो, तो भी तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है, उसमें कुछ भी विपरीतता नहीं। जब आप भगवान शिव के स्मरण करते हैं, कहा महाराज जी आप अंदर सोएंगे, मेरी धर्मपत्नी अंदर सोएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान ने कहा, अगर नारी को बाहर सुलाता हूं तो लोग मुझे हंसेंगे, एक काम करता हूं मैं बाहर सो जाता हूं। शंकर भगवान जब बाहर सोने की बात करने लगे तो आहुक ने कहा, नहीं नहीं आप अंदर सो, आप अंदर सो। इतना विचित्र संवाद है, दुनिया के लोग कहते हैं हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर भी बनाया है,
कहना ये चाहिए कि भगवान के मंदिर में हमने अपना घर बनाया है, कहना ये चाहिए। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो मेरे परमात्मा का है, ये घर जमीन जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ तो उसी का है। जब आए थे माता के गर्भ से जब जन्म हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी नासिक अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था तुम्हारी जिभ अच्छी होगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे कर्ण अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दोनों पांव से चल पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम दुनिया का दर्शन कर पाओगे। भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी प्रतिष्ठा दी, अच्छी इज्जत दी। अच्छा हुआ भोलेनाथ तूने किसी लाल बत्ती चौराहे पर, तीन बत्ती चौराहे पर या किसी घड़ियाल चौराहे पर मुझे कटोरा लेकर खड़ा नहीं किया, ये तेरी कृपा है, मेरा पेट तू भर रहा है, ये तेरी उदार। नाम तूने दिया, इज्जत तूने दी, प्रतिष्ठा तूने दी, जायदाद तूने दी, जो दिया तूने दिया, मैं लेकर क्या आया था। कितने लोग हैं इसमें से, इसमें जितने बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं जो मां के गर्भ से पैदा हुए थे तो कलेक्टर थे, एसपी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, मिनिस्टर थे, मां के गर्भ से जब जन्म लिया था तुम्हें भी नहीं मालूम था कि तुम क्या थे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम सही से जिंदगी जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। ये तो उसकी उदारता है जो तुम्हें मिला है और उसको आप भोग रहे हो, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा। और उसको उसने दिया और देने के बाद भी तुम इतनी अभिमत्ता में फूल गए। मैं दक्ष प्रजापति कहता रहा, मैं यज्ञ करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भगवान शंकर ने भी कह दिया जो मैं करता है उसका सिर कट जाता है बाद में, वो मैं बकरा बकरी बनकर करता रहा, कट गया सिर, बाद में बकरे का मुंह लगा था, बकरे का। भगवान विष्णु ने कहा तुम अपने जमाई की शंकर जी की स्तुति गाओ। अब इंसान का मुंह होता तो स्तुति गाता, कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोल लेता, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोल लेता, पर बकरा कौन सी स्तुति गाता, मुख बकरे का लगा था तो बकरा कैसा बोलता है वैसा बोल दिया। अब बकरा जैसा बकरा, शंकर जी तो भी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोरदार कर। उस दिन से देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जैसे मेरे ससुर ने मेरी स्तुति करी, दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी वैसी स्तुति करेगा तो मैं यही समझूंगा कि मेरा ससुर आया है। तब से आज तक लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर चिल्लाते हैं बम बम भोले, जैसे ही बम बम बोलते हैं शंकर जी समझ जाते हैं मेरा ससुर आ गया है। और कई माताएं बम बम बोलती है तो भी महादेव समझ जाते हैं मेरी सास भी आई है, साथ में अकेले। इतना विचार करिए उस शब्द पर, आप अगर बाहर सोएंगे तो हमारी शान घटेगी, आप अंदर सोइए। देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं अंदर सो जाऊं, हाँ, पर दुनिया के लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहने का, अगर अपन दुनिया के कहने पे चलो ना तो आधे से ज्यादा तो भूखे मर जाओ। एक बार हमको बहुत तेज भूख लग रही और जजमान के घर में बैठे, अब जजमान ने लाके सामान भी बहुत सारा रखा ऐसा टेबल पे, अब एकदम बाहर से आए थे और एकदम निपटा जाते सब खा जाते तो जजमान को भी लगता बताओ ये सीओर वाला महाराज तो कैसा हापसी है पूरा खा गया। अब बड़े आश्चर्य में हम साल माल ओढ़ के बड़ी आराम से बैठे थे, अब भूख भी बहुत लग रही थी और उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं उठाया, जजमान ने केवल ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता में से भी वो भी सब छोड़ के किशमिश, इसमें से दो दाने तो लेना पड़ेंगे। हमारे तक जान जल गई कि केवल दो दाने, केवल दो दाने, इसमें से दो दाने तो लेने ही पड़ेंगे। हम आशीष को देख रहा, आशीष हमको देख रहा, हमने तीन बार उसको कोनी मारा, भूख बहुत तेज लग रही है। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रही है अंदर जाए तो हम निपटा जाए, ये जाए तो बस ये अंदर पहुंची और अपन खा। अब वो भी इतनी चतुर थी, खुद अंदर गई, पति से कह गई गुरु जी को आराम से देखते रहना। अब गुरु जी को क्या देखते रहना, वो बैठा वही सोफे पे। हमने भी उनसे पूछा कैसे हो, बढ़िया, क्या काम काज है, बस यही काम काज है, हमको लग रहा है तुम्हारा मोबाइल बज रहा है,
इतने में पति बोला, नहीं नहीं वो अंदर देख लेगी। बहुत इंतजार करा, बहुत। वो तो उनके घर की एक बूढ़ी सी माँ, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। जब माँ ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा पहचान सकती है तो संत का भी चेहरा पहचान सकती है। बूढ़ी माँ थी, आई, महाराज जी यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं माता जी, बढ़िया आराम से आ गए। तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा? हमने कहा आप चालू करो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहा। हमने कहा बस इसी का इंतजार था। बहू बोल कर गई थी इसमें से दो दाने तो लेना ही पड़ेंगे, और ऊपर से एक बिठा के चली गई, देखते रहे बस केवल दमदार तो एक आई। इसमें से तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, इतनी देर तो अपन छोड़े ढोकला। ऐसा निपटाया कि ढोक लगाने के लिए जरा सा भी नहीं बचा, सब निपटा। सोचे होगा, शर्म करे सो तो गए। अब बाबा बोले, शिवजी ने कहा मैं यहां, लोग क्या कहेंगे? आहूक ने कहा दुनिया के लोग कहेंगे, कहते रह जाएंगे। आप भीतर सोइए, मुझे मेरी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, और आप पर भी है। अतिथि आया है, भगवान के तुल्य आया है, ये नुकसान नहीं दे सकता, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है। भगवान यतिनाथ बनकर उसके घर में विश्राम कर रहे थे। आहूक आज बाहर गया, बाहर उसको नींद नहीं आ रही थी, धनुष बाण लेकर बैठ गया। अंदर यतिनाथ सो रहे हैं, अतिथि सो रहा है, धर्म पत्नी सो रही है, ये बाहर भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। इतनी देर में एक जंगली जानवर आया और आहूक को खा गया, निपटा गया, समाप्त कर दिया। शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ, शव पड़ा है, वो भी उधेड़ा हुआ। जो उधेड़ा हुआ सब मांस के छीतड़े पड़े हैं, यतिनाथ भगवान अंदर सो रहे हैं, आहू का अंदर सो रही है। सवेरे सवेरे आहू का उठी, यतिनाथ जी नहीं उठे, उठे ही नहीं, क्योंकि लीला ही उनकी थी, नहीं उठे। भगवान नहीं उठे, लीला उनकी थी। जब वो लीला करता है तो कोई साधारण करता है क्या? उसको अगर अच्छा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा, और बुरा बनाना है तो बनाकर छोड़ेगा। उसको लीला करने में कितनी बड़ी कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है, जामवंत की पुत्री जामवंती से जामवंत ने भगवान कृष्ण का विवाह करा था। बकरा बकरी की छोरी कैसी होगी रे, बोलो तो रे, हालोल वालो और कंजरी वालो, बकरा बकरी की छोरी भी बकरी जैसी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो तो जमके। ठीक है, ऊंट की छोरी ऊंट जैसी, बांद्रा बांद्री की बांद्रा बांद्री, इंसान की इंसान जैसी, भैंस की भैंस जैसी, गाय की गाय जैसी। अब ये जामंत कौन था? रीछ, तो रीछ की रीछड़ी। अब जैसा रीछ का मुंह, रीछ का मुंह कैसा था? तुमने जामवंत को देखा, रीछ का कभी देखा तुमने? पहले सर्कस में रीछ आता था, ऐसा बड़ा सा मुंह, पूरे चेहरे पर बाल, पूरे शरीर पर बाल, जामवंती का स्वरूप भी ऐसा ही था, पूरा मुंह लंबा, पूरे चेहरे पर शरीर पर बाली बाल, ये बड़े बड़े और पूरा चेहरा काला, भयंकर रीछ जैसा। जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों? मेरी बेटी सालों से इंतजार कर रही, राम अवतार में मैंने कहा था आप विवाह करना, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, अगला अवतार लूंगा तब तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा। मैंने कहा था मेरी बेटी तो बूढ़ी हो जाएगी, तब आपने कहा था जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक बूढ़ी नहीं होगी। मेरी बेटी अभी तक जवान है प्रभु, युवान अवस्था में है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान कृष्ण ने पूछा, जामन तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है? जामवंत ने कहा बाप पर गई है। भगवान का चेहरा उतर गया, मेरे लिए ही रखी थी ऐसी, मेरे लिए, बिल्कुल तेरे जैसा लंबा मुंह, बिल्कुल तेरे जैसा चेहरे पे पूरे बाल ही बाल, हाथ पैर नख इतने ही बड़े, बिल्कुल वैसी की वैसी है। प्रभु शादी तो करना पड़ेगी। भगवान ने कहा बुलाओ जामवंती को। जामवंती को बुलाया, जो भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल रीत जैसी दिख रही है, अब छोरी उन्हीं की थी,
भगवान ने कहा शादी तो कर लूंगा जामंती पर शर्त एक है, क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी, ना बात करेगी ना बोलेगी, मैं जैसा कहूं बस वैसा करना, बस शादी कर लो, मैं जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। होता है, एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, लड़का लड़की, तो लड़की बात बात में लड़के से कह रही थी एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, बस अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक संत ने घूर कर देखा, ये पूरे घर को स्वर्ग बना देगी, घर में रहने वालों को स्वर्गवासी पहचान। भगवान ने कहा तू बोलेगी नहीं? नहीं बोलूंगी। मुख नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगी। कपड़े ऐसे पहनना कि पूरा शरीर ढका हो, एक अंग भी ना दिखे दे रहा, बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई, भगवान ब्याह करके जामंती को लेकर द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी को मालूम पड़ा भगवान द्वारकानाथ आए, रुक्मणी थाली सजा के लाई, जो थाली सजा के लाई, रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ जी की आरती उतारते समय पूछ लिया ये बाजू में खड़ी कौन है? भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी है। रुक्मणी जी बोली मैं थी तो शरीफ प्रभु, भगवान बोले गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिली तो तुम लेकर आ गए? भगवान बोले बारात में शादी में गिफ्ट में कोई भी सामान मिलता है उसको कोई छोड़ के नहीं आता। भंगार जैसी अलमारी मिलती 5,000 की तो भी 10,000 की बस करके ऊपर बांध कर लाते। भगवान ने कहा था मुंह छुपा के रखना, जामवंती ने घूंघट पकड़ के रखा, रुक्मणी जी उठाए जामवंती फिर खींचे, रुक्मणी जी फिर उठाए जामवंती फिर खींचे। इतने में रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, इतनी सुंदर है तो इतना इनकार कर रही है, इतना अभिमान कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही। रुक जाते, आरती की थाली में से पानी लिया, हाथ में जल लेकर रुक्मणी जी ने कहा सुन रे जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू ज्यादा सुंदर है ना, मैं जितनी सुंदर हूं बस उतनी सुंदर रह जा, जा। भगवान ने जामवंती को कोनी मार के कहा उठा ले। जो जामवंती ने घूंघट उठाया भगवान के गले की हार में, रुक्मणी जी की हसली में, जो जामवंती ने अपना चेहरा देखा इतनी सुंदर हो गई, जामवंती ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तेरे बराबर लीला कोई नहीं कर सकता, रीछड़ी को इंसान बना दिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है, तेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा है? लीला शिव जी की है, शंकर जी कर रहे हैं। मर गया आहू, उसके मांस के छीतड़े छूतड़े है निकल गए, शंकर जी नहीं उठे, अतिथि नहीं उठा, यतिनाथ नहीं उठे, उठी आहू का, आहू का उठी, और आहू का उठकर बाहर पति से मिलने के लिए गई थी, क्या देखती है वहां तो पति मरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा है, रो पड़ी बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगा। अंदर आई, दौड़ कर कहा यतिनाथ यतिनाथ यतिनाथ, दौड़ कर आकर कही हे यतिनाथ हे यतिनाथ, अतिथि मेरा पति मर गया है, रो रही। यतिनाथ बाहर जाकर देखते हैं तो उसको किसी जंगली सुंदर ने उसको मार दिया है, पत्नी रो रही है। यतिनाथ कहते हैं मेरे कारण तुम्हारा पति मारा गया है, मेरे कारण तुम्हारा पति मरा। आहुका ने कहा तुम्हारे कारण नहीं मरा, ललाट पर लिखा होगा इतना ही उम्र इसलिए चला गया। आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बोलो। मेरे पति के जितने टुकड़े बचे हैं इसको चिता पर रखा जाए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं, बस आप चिता तैयार कर दो, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए। चिता तैयार हुई और वो चिता तैयार होकर पति के टुकड़ों टुकड़ों को रखा गया। आहू का उस चिता पर जाकर बैठी, आग लगाने के लिए भी दी गई तो मेरे महादेव को दी गई, कोई था ही नहीं, अग्नि कौन देगा, कौन अग्नि देगा। जैसे ही अग्नि लगाने के लिए देवाधिदेव महादेव को दिया, महादेव उस अग्नि के सम्मुख में 5 क्षण के लिए बैठे और महादेव यतिनाथ के रूप में प्रकट होकर कहते हैं जीवित हो जाओ, मेरा वर है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था।
तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। प्रकट हो। आहु आहु का दोनों प्रकट। मेरे कारण एक रात्रि तुम दोनों को दूर रहना पड़ा है। मैं तुम्हें वर देता हूं, अगला जन्म आहु तेरा नल का होगा, तू राजा बनकर जन्मेगा और ये विदर्भराज भीम की कन्या दमयंती बनेगी। तुम दोनों अलग अलग रहोगे, मैं स्वयं हंस अवतार लेकर आऊंगा। शिव जी कहते हैं मेरा एक अवतार होगा हंस अवतार, और मैं उस हंस अवतार लेकर आऊंगा और नल और दमयंती तुम्हें मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा। लेता है शिव परीक्षा, थोड़ा थोड़ा तकलीफ आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, थोड़ा कष्ट ज्यादा आ सकता है, थोड़ा दुख ज्यादा आ सकता है, पर विश्वास शिव के प्रति दड़ी बनाकर रखना। एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहना, एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाते रहना, अगर कष्ट शरीर में है, रोग है, बीमारी है, शिव का गुणगान करते रहना। यह मत सोचना दो महीना तीन महीना करूंगी उसके बाद छोड़ दूंगी, नाना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके यहां जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, जाओ उसके चौखट पर, जाओ उसके दरवाजे पर और उसके पास पहुंचोगे तो दुख मिटेगा, जो ये निश्चित है। जब हम उसके पास जाकर बोलेंगे तो वो आनंद सुख की अनुभूति जरूर। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेना, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेना, तुझको दिया, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया, ओ भोलेना, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ओ भोलेना, मेरे ओ भोलेना, ये क्या कर दिया, ओ भोलेना, ये क्या कर दिया, ओ भोलेना। दोनों हाथों से ताली से बजे हरि वो। राधे ओ भोलेनाथ।
ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। दिल से, मन से, भाव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें, भाव से भगवान देव अधिदेव महादेव से दिल से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सदुख काटो मारा, ओ भोला सदुख काटो मारा, क्षीण शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर, तुम नल बनोगे ये दमयंती बनेगी, मैं हंस बनकर तुमको मिलवाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है। आप जितने कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, जितने कदम चलकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हो, उससे ज्यादा कदम चलकर मेरा महादेव आपके दुख काटने के लिए पहुंचता है। एक पत्र आया है, देखिए। स्वर्णा नरेंद्र जाधव नासिक जिला महाराष्ट्र से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। स्वर्णा नरेंद्र जाधव महाराष्ट्र से, गुरुदेव मकर संक्रांति के दिन मेरे बेटे के सिर में दर्द हुआ और सर की जांच कराई तो उसके सिर में दो गठान हो गए। हमने दो तीन डॉक्टर को दिखाया, सबने कहा गठान है पर ब्रेन में है, दिमाग में है, सिर में है, इसलिए ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ऑपरेशन कर दिया तो ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा कोई भरोसा नहीं। दवाई दे दी, वो भी देना चालू करा, आराम नहीं लगा। हमने एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री चढ़ी हुई बच्चे को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करी, अगर पावागढ़ में जो कथा होने वाली है उससे पहले अगर मेरे बेटे की गठान कम हो जाएगी तो मैं कथा सुनने के लिए अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। बाबा की कृपा से
दूसरी बार उसकी जांच कराने के लिए, सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए, उसकी गठान पहले जितनी बड़ी थी उससे आधी से आधी हो गई। इसलिए मैं अपने बेटे को यहां कथा सुनाने लेकर आया। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उघड़ी। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अब दिल से उसका वजन कर, हृदय से उसको पूछो, मेरे शिव को छल से जल नहीं चाहिए, मेरे शिव को हृदय से जल चाहिए। छल करा दक्ष प्रजापति ने, अपनी बेटी सती का विवाह देवाधिदेव महादेव से कर दिया और बाद में अपने जमाई का ही अपमान कर दिया। बेर किस बात का था? केवल एक जरा सी बात का बेर था। चंद्र को काया का रोग हुआ था और भगवान देवाधिदेव महादेव ने चंद्र के रोग को समाप्त करा था सोमेश्वर सोमनाथ बनकर। यह बात दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ गई कि मैंने चंद्र को श्राप दिया था तुझे काया का रोग हो जाए, और वो चंद्र ठीक हो गया। किसके बल पर? देवाधिदेव महादेव के बल पर। बस मन में आटी बैठ गई और आखिरी में शिव का अपमान हो गया, सती माता जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के यहां पार्वती के रूप में जन्म हो गया। शंकर भगवान के साथ माता पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं, सुंदर जयमाला हो रही, भगवान देवाधिदेव महादेव के गले में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शिव के गले में माला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दिए हैं, भाव भक्ति से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, हर हर महादेव। सुंदर शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे हैं भाव भक्ति से। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरहानपुर न्यू नवी कृषि मंडी में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा का सुंदर आनंद होगा। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा बरहानपुर में रहेगी। बड़े भाव और भक्ति के साथ आप और हम श्रवण करेंगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक, बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाड़ले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 3 फरवरी से 9 फरवरी तक नवीन कृषि मंडी बुरहानपुर से हम सभी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का आनंद लेंगे आस्था चैनल पर भी और बुरहानपुर की पावन धारा पर। तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे बुरहानपुर में पधारे परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, पावागढ़ वाली महाकाली माता मंदिर से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। संत भगवान से भी निवेदन है आरती में पधारे, आरती का समय हो चुका है। और इसी बीच में हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद श्रीमती गीता बेन जी राठवा छोटा उदयपुर से सांसद महोदय पधारी हुई हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री हितेश भाई जी पटेल स्टेयरिंग कमेटी चेयरमैन बड़ौदा गुजरात से आप भी पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री भरत जी रावल अध्यक्ष ब्राह्मण समाज गुजरात प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री एस एम जी टाक आदरणीय जज साहब, श्रीमान एवं श्रीमती बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री विष्णुदत्त जी परमार, श्री दुपत सिंह जी परमार कंजरी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री मिलिंद भाई जी कचिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री गोपाल जी शर्मा लीमखेड़ा से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। आरके जी पंचाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री नरेंद्र भाई जी भट्ट बड़ौदा गुजरात से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का
माता पार्वती का चरित्र ही देखो ना, माता